जस्ट प्लीज प्लीज इंश्योर कि हर टेबल पे एक वर्कशीट हो। बच्चों आप भी देखो कि हर टेबल पे एटलीस्ट हर टेबल पे एक वर्कशीट हो। कोई भी स्टूडेंट किसी भी टेबल पे ऐसे ना हो कि एक भी वर्कशीट ना हो। और जिसके पास नहीं है, आपके साथ वाले फ्रेंड्स के पास, अपनी कॉपी भी निकालो और लिखो डिस्कशन ऑफ वर्कशीट या गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सेवंथ बी। मेरी आवाज अब आ रही है? ओके मैम। अपनी वर्कशीट्स निकालिए, ओके मैम। जल्दी से निकालो वर्कशीट और उसका लास्ट पेज M4। एंड आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स टू डू दैट क्वेश्चंस, जल्दी से। आफ्टर दैट आई विल डिस्कस। सेवंथ बी सर देखना कि हर टेबल पे एक वर्कशीट जरूर होनी चाहिए। गिविंग यू 5 मिनट्स टू डू M4 मॉड्यूल 4। देयर आर 5 क्वेश्चंस एंड रीजन असर्शन की मैं ऑप्शंस यहाँ पे लिख देती हूँ। यू मस्ट बी नोइंग या असर्शन रीजन ऑप्शन ऑप्शन ए है। असर्शन रीजन करोगे तो ऑप्शंस ये चेक कर लेना, बाकी अपना करो। पहले डू योर असाइनमेंट M4। ये 5 क्वेश्चंस जो है M4 के करने के बाद आपको कॉपी में क्या करना ये भी क्वेश्चंस करने हैं। व्हाट इज मसल स्पैज? व्हाई मसल स्पैज अकर्स आफ्टर हैवी एक्सरसाइज? व्हाट आर द वेरियस मेथड्स टू ओवरकम? अंतिम मॉड्यूल थीसिस मेरे पास नहीं है, आज से तो व्हाट आर द वेरियस मेथड्स टू ओवरकम मसल स्पैज?
ठीक है, जल्दी से अपनी कॉपी में ये राइट डाउन दीज थ्री क्वेश्चंस। मैं पहले सेवंथ ए में से आई एम कॉलिंग स्टूडेंट्स, इट इज निखिल, सार्थक एंड ओम। ओम दुग्गल एंड सार्थक, ये तीनों आ जाओ, अपनी वर्कशीट लेकर आओ जल्दी से। सेवंथ ए, अपनी वर्कशीट लेके आनी है। यस बेटा, एम फोर में क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई आफ्टर हैवी एक्सरसाइज अ मोम पर्सन एब्सेंट ओम एब्सेंट है। कोई बात नहीं, ओम की जगह आ जाइए बेटा, सत प्रकाश आ जाइए। हाँ जी निखिल, बताइए फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आफ्टर हैवी एक्सरसाइज ए पर्सन फील्स पेन इन मसल। है। सी ऑप्शन। सी ऑप्शन, ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड दैट कॉजेज मसल क्रैम्स। बिल्कुल ठीक है। सो व्हाट इज मसल स्पेयर। बैठो बेटा, चलो निखिल यू गो अनदर स्टूडेंट, बट पहले मैं आपको ये बता दूं कि व्हाट इज मसल स्पेयर, यहाँ पे ध्यान से देखो, जो ये क्वेश्चन है उसी से ही आंसर निकलता है, ध्यान से। इट इज पेन इन मसल्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। सिंपल, एवरीबडी शुड राइट व्हाट इज मसल स्पेयर, पेन इन मसल्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन मीन्स इकट्ठा होना, ड्यू टू लैक्टिक ऑफ लैक्टिक एसिड। यस, नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाता है। मैंने पूछा कहा था सार्थक, सार्थक नेक्स्ट है। हाउ ए पर्सन गेट्स रिलीव्ड फ्रॉम मसल क्रैम्प्स। मसल क्रैम्प्स, टांगे थक गई है, आप खेलते होंगे, थक जाती है, क्या करते हो? मुझे सुना नहीं, बोलो जोर से। व्हेन बी ऑप्शन। होल ऑफ लैक्टिक एसिड गेट्स डिस्पोज्ड ऑफ। बेटा देखो, ध्यान से देखना, आंसर आ जाता है बेटा, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। लैक्टिक एसिड प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में खत्म होता है कि एब्सेंस में? एब्सेंस में तो बना बेटा, इधर देख, इधर देख, ध्यान से देख फटाफट से। हाउ लैक्टिक एसिड इज फॉर्म, क्वेश्चन एवरीबडी शुड राइट, आप ध्यान से देखो बच्चे। हाउ लैक्टिक एसिड इज फॉर्म्ड, पहले आपने देखना है, फिर सीट पे जाके लिखना है फॉर्म्ड इन मसल, और इसका आंसर भी मुझे बता के जाना है। ठीक है, लैक्टिक है, इधर ध्यान से स्क्रीन पे देखो, एवरीबडी शुड फोकस ऑन द स्क्रीन। सो हाउ लैक्टिक एसिड बना कैसे? तो यहाँ पे देखो, ये मैं जो लिख रही हूँ, अंडर नॉर्मल कंडीशन, अंडर रेस्ट कंडीशन, मसल्स ध्यान से समझना है कि जब रेस्टिंग है, आप बैठे हो, मैं भी यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर रही, तो क्या होता है? ग्लूकोज बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ठीक है ना, जो नॉर्मल सभी सेल्स में रेस्पिरेशन होती है वो हो रही है, बट अब क्या आ गया है, ड्यूरिंग स्टर्नोस या हैवी एक्सरसाइज। आप फुटबॉल का मैच खेलने गए हो, है ना, फुटबॉल खेलते हो आप, कौन सी गेम खेलते हो बेटा? विच गेम डू यू प्ले, गली में, घर में, स्कूल में, क्या खेलते हो? फुटबॉल फुटबॉल। खेलते हो, वेरी गुड, है ना, फुटबॉल का मैच खेलने गए हो, और आप जब प्रैक्टिस करते हो तो लास्ट में थक जाते हो ना, 2-3 घंटे आप खेले तो लास्ट में आप थकते हो कि नहीं? यस और नो, है ना, एंड लेग्स में पेन होनी शुरू हो जाती है, तो क्या होता है?
एवरीबडी आफ्टर हैवी एक्सरसाइज खेल रहे हो, फिजिकल एजुकेशन का पीरियड है, 2 घंटे टीचर ने पनिशमेंट दे दी कि 1 घंटा आपको भागना है, तो व्हाट विल हैपन, देयर अकर्स पेन इन द लेग्स, व्हाई? सो ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज व्हाट विल हैपन दैट होल ऑफ, होल मीन्स सारी, होल ऑफ ऑक्सीजन गेट्स कंज्यूम्ड. नो ऑक्सीजन लेफ्ट इन मसल्स, मसल्स के पास कोई ऑक्सीजन बची नहीं है, देयरफोर एनारोबिक रेस्पिरेशन. एनारोबिक मीन्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अपने कान दिमाग आंखें सब स्क्रीन पे, 5 मार्क्स क्वेश्चन ये पूरा आ सकता है. एनारोबिक रेस्पिरेशन इन मसल. सो व्हाट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन? ग्लूकोस बर्न्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी. ध्यान से पहले सुनो फिर लिखना, राइट डाउन, पहले इधर लिसन प्रॉपरली. लैक्टिक एसिड ब्लॉक्स मसल एक्टिविटी. पीछे वाला दिखाना भी लिख रहे थे। पहले सुनो, मैं तभी कह रही हूं, फर्स्ट लिसन देन राइट. लैक्टिक एसिड ने क्या किया? ब्लॉक्स मसल एक्टिविटी लेग्स या आर्म्स. अब लेग्स चल तो रहे नहीं, बैठ जाओगे तो दर्द नहीं है, बट जब लैक्टिक एसिड ब्लॉक्स मसल एक्टिविटी, डू नॉट अलाउ, लैक्टिक एसिड डज नॉट अलाउ द मसल्स टू वर्क, एंड यू वॉन्ट टू वॉक, यू वॉन्ट टू रन, देन द मसल्स पेन, राइट? देयरफोर देयर अकर्स पेन इन मसल्स कॉल्ड एज मसल स्पैंस. तो बेटा आपको सार्थक, यू हैव टू टेल मी कि अगर हमने ये मसल की पेन किस वजह से है? लैक्टिक एसिड की वजह से, यस और नो? तो इफ यू वांट टू गेट टू रिमूव योर मसल पेन, टू गेट रिड ऑफ मसल पेन, व्हाट वी हैव टू रिमूव, हमें क्या चीज निकालनी पड़ेगी, खत्म करनी पड़ेगी ताकि मसल की पेन खत्म. क्रैम्स हाँ जी, स्पैम्स है ना, मसल स्पैज्म और मसल क्रैम्प्स, ये तो एक ही बात है. ध्यान से सुन मेरा क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन है बेटा कि अगर हमने मसल क्रैम्प्स खत्म करने हैं, मसल क्रैम्प्स किसकी वजह से है बेटा, कौन से केमिकल की वजह से है? ग्लूकोज की वजह से, लैक्टिक एसिड की वजह से. इधर देख, स्क्रीन की तरफ देख, छोड़ दे बाकी सब और सीधे होके ही आंसर देना, माइक कैच कर जाएगा. बट मसल क्रैम्प्स लैक्टिक एसिड की वजह से है, यू नो दैट. अगर हमने मसल क्रैम्प से क्योर करना है, हमने मसल पेन से छुटकारा पाना है, तो कौन सी चीज से गेट रिड करना पड़ेगा, कौन सा केमिकल खत्म हो तब मसल पेन खत्म होगी? मसल पेन किस वजह से है, दोबारा से बताओ. देख ध्यान से इधर देख, मस्कुलर पेन, एवरीबडी शुड सी हियर, मस्कुलर पेन किसकी वजह से है? लैक्टिक एसिड की वजह से. अगर हम लैक्टिक एसिड खत्म कर देंगे तो मस्कुलर पेन खत्म हो जाएगी, यस और नो? हां जी सार्थक, इज इट ओके? एवरीबडी कीप लैक्टिक, इफ नो लैक्टिक एसिड नो मसल क्रैम्प्स नो मसल पेन, बट हाउ कैन वी गेट रिड ऑफ लैक्टिक एसिड? लैक्टिक एसिड किसकी एब्सेंस में बना था? ऑक्सीजन की एब्सेंस. इसका मतलब अगर ऑक्सीजन आ जाएगी तो लैक्टिक एसिड खत्म हो जाएगा, ध्यान से सुनना है.
देयरफोर टू गेट रिड ऑफ, ध्यान से मैं जरा आपको बहुत डिटेल में बता रही हूं, गेट रिड ऑफ मसल क्रैम्प्स कॉमा लैक्टिक एसिड हैज टू बी डिस्पोज्ड ऑफ, डिस्पोज्ड ऑफ का मतलब है डिस्पोज्ड ऑफ और एलिमिनेटेड, खत्म करना पड़ेगा, लैक्टिक एसिड को खत्म करना पड़ेगा, लैक्टिक एसिड इज डिस्पोज्ड ऑफ बाय ऑक्सीजन। कैसे, ये बॉक्स में लिखना है आपने कि लैक्टिक एसिड को अगर ऑक्सीजन मिल जाए तो ये बर्न कर जाती है, बर्न टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी। ठीक है, एब्सेंस, ऑक्सीजन की एब्सेंस में तो ये बना, बट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये बर्न ऑफ। बाद में लिखना, पहले समझो। मसल्स गेट ऑक्सीजन टू, हाउ डू मसल्स गेट ऑक्सीजन? फर्स्ट है बाय हॉट वाटर बाथ, गर्म पानी में नहा लो। दूसरा है बाय डीप ब्रीदिंग, बैठो थोड़ी देर, जोर जोर से डीप ब्रीदिंग करो। और थर्ड है बाय ऑयल मसाज, ऑयल मसाज से क्या है, मोर ब्लड सप्लाई, टू मसल्स एंड दस मोर ऑक्सीजन सप्लाई, जितना ब्लड आएगा उतना ऑक्सीजन। और जब ऑक्सीजन आएगा तो क्या होगा, लैक्टिक एसिड बर्न कर जाएगा टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी। बेटा अब क्वेश्चन पढ़ो और आंसर बताओ साथ तक ध्यान से। हाउ पर्सन गेट्स रिलीव्ड फ्रॉम मसल क्रैम्प्स? डी ऑप्शन बी ऑप्शन, बोथ ए एंड सी दोनों का एक ही मतलब है ना? When the whole of the lactic acid gets disposed of in presence of oxygen, when lactic acid changed into carbon dioxide and D is both A and C। बिल्कुल ठीक, सार्थक, समझ में आई आपको? ठीक है, पहले हम ये क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं आपको ये सारा पीछे करके दिखाती हूँ। बैठो बेटा सार्थक। नेक्स्ट हमने बताया था सतप्रकाश। हाँ जी सतप्रकाश, आपका क्वेश्चन, एट हाई ऑल्टीट्यूड पहाड़ों पे जाते हो तो क्या होता है? हमें ऑप्शन एयर हैज लेस ऑक्सीजन एंड दस पर्सन फील्स ब्रेथलेसनेस, है ना? थोड़े टाइम बाद हमें सांस नहीं आता और उसके बाद क्या होता है, हम हांफते हैं, हमारा सांस बढ़ जाता है, रेट ऑफ ब्रीदिंग बढ़ जाती है। अब देखो आंसर क्या है। डी ऑप्शन ऑप्शन है कि हमें ब्रेथलेसनेस होती है और रेट ऑफ ब्रीदिंग बढ़ जाती है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा इसलिए रेट ऑफ ब्रीदिंग बढ़ेगी। बिल्कुल ठीक है सतप्रकाश, ऑप्शन डी डेल्टा दिल्ली इज करेक्ट। बैठो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है बेटा असर्शन। लॉट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन सेल्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यस हु विल टेल मी? एट्थ बी, एट्थ बी हरवीर, नॉट एट्थ, आई एम सॉरी, सेवंथ बी हरवीर। आ जा बेटा,
मुझे बताओ कि लॉट ऑफ एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन सेल्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ट्रू की फॉल्स? ट्रू है ये, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंश्योर्स कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड। देख बेटा ध्यान से मेरा इधर देखना है कि एक होती है एरोबिक, एक होती है एनारोबिक। बेटा मुझे ये बताओ किसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन है, किसमें इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन है? यस टेल मी। एरोबिक एरोबिक में कंप्लीट की इनकम्प्लीट? कंप्लीट। कंप्लीट बेटा, कोई और नहीं बताएगा, कंप्लीट ब्रेकडाउन। चलिए वेरी गुड, एरोबिक में कंप्लीट ब्रेकडाउन। अब मुझे ये बताइए, अभी अपने पास ही रखो, ये पकड़ के रखो ना, टेल मी हरवीर कि कंप्लीट ब्रेकडाउन में ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी कि इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन में ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी? सोच के बताना, कोई और नहीं बताएगा। हाँ मैं इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट। अब एक लकड़ी है वो पूरी तरह जल गई, और एक लकड़ी का पीस है जो आधा जला है, पूरी तरह जला जला नहीं, किसमें ज्यादा एनर्जी है, किसमें ज्यादा हीट आएगी, जो कंप्लीट बर्निंग है कि इनकम्प्लीट बर्निंग है? कंप्लीट। कंप्लीट। तो मुझे बताओ कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ज्यादा, एरोबिक में आपने बताया कंप्लीट बर्निंग ऑफ फूड या ग्लूकोज, और ये है इनकम्प्लीट। सो इन विच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन मोर एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, एरोबिक की एनारोबिक? एनारोबिक बेटा एनारोबिक, मैं दोबारा से बता रही हूँ, इनकम्प्लीट है, ग्लूकोज आधा जला है, आधा वैसे ही पड़ा हुआ है। एरोबिक तो आपके दोस्तों ने बता दिया अब आपको, ठीक है। सो एरोबिक रेस्पिरेशन में मोर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, क्यों? क्योंकि वहां पे कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड। बैठो बेटा, सो ऑप्शन क्या आ जाएगी? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए बोथ असर्शन एंड रीजन करेक्ट, एंड रीजन एक्सप्लेन्स असर्शन। नेक्स्ट आ जाइए जी बेटा, अमन चोपड़ा, सेवंथ बी अमन चोपड़ा। बेटा कोई नहीं बताएगा, उसको आंसर देना, नहीं देगा तो मैं दे दूंगी फिर आपसे। हाँ ओके जी बेटा, क्वेश्चन मैम। नंबर, असर्शन करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? ऑयल मसाज, पहले ऑन करो, ऑन करो इसको, माइक को ऑन करो। हाँ अब बताओ ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? बेटा ट्रू ट्रू है, और दूसरी है बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो ये गलत है ना? चलो ये मैं बता देती हूँ, दिस इज रॉन्ग, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है बैठो बेटा, ऑप्शन सी असर्शन करेक्ट, रीजन रॉन्ग। ठीक है जी, चलिए अब यह लिखेंगे, जरा मैं पीछे करूं। मैडम कि लैक्टिक एसिड कैसे बनता है और क्यों हैवी एक्सरसाइज में बनता है, नॉर्मल क्यों नहीं बनता? जिसने अभी तक नहीं किया दे कैन रेज हैंड्स ताकि मैं आगे भी चलूं। हाँ जी अच्छा कर लो फिर, डू इट क्विकली। आगे कर दो। हाँ अभी कर रहे हैं बेटा कुछ बच्चे, करके फिर करते हैं हम। इतनी देर बाकियों ने कर लिया, तो अपनी वर्कशीट और मॉड्यूल 3 देखें। डू मॉड्यूल 3। आई होप यू हैव डन। ओके चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे क्वेश्चन लिखो,
व्हाई लैक्टिक एसिड पॉजल्स मसल क्रैम्प्स यहां तक है। व्हाई लैक्टिक एसिड कॉजेस मसल क्रैम्प्स सिंगल लाइन बिकॉज लैक्टिक एसिड ब्लॉक्स मसल एक्टिविटी। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हाउ मसल क्रैम्प्स आर क्योर। हम मसल क्रैम्प्स को कैसे ठीक कर सकते हैं? ये टर्म याद रखनी है डिस्पोज्ड ऑफ या एलिमिनेटेड और या फिर और सिंपल टर्म आ जाते हैं रिमूव्ड। लैक्टिक एसिड हैज टू बी रिमूव्ड। ये नहीं याद आता रिमूव तो याद आ ही जाएगा। तो पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये। जिसका ये हो चुका है दे कैन मूव टू देयर वर्कशीट एंड डू M3। बस ज्यादा नहीं बेटे माइक को ज्यादा नहीं ऑन ऑफ मत करो खराब हो जाएगा। चलिए लेट्स मूव फर्दर। मसल गेट्स हाउ मसल्स गेट ऑक्सीजन थर्ड पॉइंट। सभी का हो गया बेटा। चलिए मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हेल्प्स इन इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन। इनहेलेशन और ये क्वेश्चन और क्या आ सकता है हाउ द साइज ऑफ चेस्ट कैविटी एक्सेलेशन और रिब केज गेट्स चेंज्ड। कभी रिब केज या चेस्ट कैविटी बड़ी हो जाती है कभी छोटी हो जाती है कैसे होती है? कैन एनीबडी टेल मी?
यस अमेजिंग। रेज एनी स्टूडेंट फ्रॉम एनी सेक्शन, रेज योर हैंड्स। क्लोज चेस्ट कैविटी कैसे बड़ी छोटी होती है, बोलो जरा। क्लोज अच्छा यू नो आंसर इज बाय मसल्स ऑफ, ध्यान से, किसके मसल्स? डायाफ्राम। एंड रिब्स। मसल से कोई भी मूवमेंट है ना हमारी बॉडी में, जैसे रिब के छोटी होगी बड़ी होगी, तो रिब्स चेस्ट कैविटी की मूवमेंट है। किसके कारण है? मसल्स के कारण है। एनी मूवमेंट इट इज ड्यू टू मसल्स। विदाउट मसल्स नो मूवमेंट अकर्स। बोन्स है बट मसल्स नहीं है तो मूवमेंट नहीं हो सकती। सो एवरी मूवमेंट इज ड्यू टू मसल। सो हाउ यू नो मसल्स की क्या मूवमेंट होती है? छोटा होना, बड़ा होना। छोटा मतलब कॉन्ट्रैक्शन, बड़ा होना रिलैक्सेशन। यू नो दैट कॉन्ट्रैक्शन, यू नो, ठीक है ना? तो ए है इनहेलेशन में क्या है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम। इससे क्या हुआ? फ्लैटनिंग ऑफ डायाफ्राम। डायाफ्राम फ्लैटन हो गया। सेकेंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स बिटवीन रिब्स। रिब्स के बीच में जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हुए, जिससे क्या हुआ? रिब केज मूव आउट एंड अप। कुछ भी लिख दोगे, अप लिख दोगे, आउट लिख दोगे, ठीक हो जाएगा। और तीसरा पॉइंट आ जाएगा इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ रिब केज या चेस्ट कैविटी। डायग्राम आपने बनाया हुआ है। हाँ जी बेटा, डन, ठीक है। सो कॉन्ट्रैक्शन, अगेन आई एम ड्रॉइंग डायग्राम, यू कैन अगेन ड्रॉ। सो दिस इज फ्लैटेंड डायाफ्राम। इस तरह फ्लैट, बहुत ज्यादा कर्व नहीं बता देना, फ्लैटेंड डायाफ्राम। दिस इज इनहेलेशन। एवरी स्टूडेंट शुड ड्रॉ।
एवरी स्टूडेंट और यू सी कि अगर इनहेलेशन में क्या हो रहा है दैट द मसल्स कॉन्ट्रैक्ट छोटे हो रहे हैं जिसके कारण चेस्ट कैविटी बड़ी हो रही. नाउ सेकेंड बी पार्ट इज एक्सेलेशन. एंड इसके ऑपोजिट हो जाएगा ध्यान से. मसल्स ऑफ डायफ्राम रिलैक्स. देख रहे हो आप मसल्स ऑफ डायफ्राम रिलैक्स. ड्यू टू विच डायाफ्राम गेट्स कर्व्ड. डायाफ्राम गेट्स कर्व्ड और यही सेकेंड पॉइंट है मसल्स बिटवीन रिब्स रिलैक्स. रिब केज मूव इन वॉल्यूम ऑफ लंग्स डिक्रीजेस जिससे एक्सेलेशन. तो सिंपल विच मसल्स हेल्प्स इन चेंजिंग द साइज ऑफ चेस्ट कैविटी दैट इज मसल्स ऑफ डायफ्राम एंड मसल्स ऑफ द रिब्स. इज इट ओके ये कर लोगे वन मार्क में आए टू मार्क्स में आए विल यू बी एबल टू डू दैट. नेक्स्ट आ जाता है बेटा टेल मी कि वी टेक ऑक्सीजन फ्रॉम एयर हाउ डू फिशेस टेक ऑक्सीजन फ्रॉम गिल्स. तो है एयर में से कि वॉटर में से वॉटर राइट. सो एक्वेटिक एनिमल्स एक्वेटिक मीन्स वॉटर एक्वा मीन्स वॉटर. एक्वेटिक एनिमल्स टेक ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन ठीक है. नाउ टेल मी एयर हैज 21% ऑक्सीजन बाकी और गैसेस है. परसेंट मीन्स 100 में से 21 पार्टिकल्स ऑक्सीजन के है बाकी कार्बन डाइऑक्साइड के हाइड्रोजन के कार्बन मोनोऑक्साइड के नाइट्रोजन के और सब. बट यू हैव टू टेल मी द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वॉटर इज ऑप्शन ए है मोर देन 21%. ऑप्शन बी है लेस देन 21%. और ऑप्शन सी है
इक्वल टू 21%, और ऑप्शन डी है नो ऑक्सीजन इन वाटर। यस नो, सेवन सी एंड सेवन सी में आ जाइए बेटा, लविका। माइक ऑन करो, देखो जूम से ऑन करना है कि कहाँ से ऑन करना है। आप दस्तान बताइए, अब बताइए सेवन सी कि ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर इज। हाँ ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी की ऑप्शन डी। यस दोबारा से, मैम ऑप्शन ए इट इज मोर देन 21%, राइट? मैम यस ओके ठीक है, चलिए आप ठीक भी हो सकते हो, बट लेट मी आस्क अदर स्टूडेंट्स आल्सो, एनीबडी हु हैज अनदर आंसर, जल्दी से देखें पर किस बच्चे को पता है या नहीं पता क्या है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर विद लविका, है ना, इस गर्ल के साथ कितने बच्चे हैं? रेज योर हैंड्स कि मोर देन 21%, रेज योर हैंड्स जल्दी से। कोई भी नहीं, चलिए कोई बात नहीं, मुझे बताओ ऑप्शन बी के साथ कितने स्टूडेंट्स हैं? रेज योर हैंड्स। ऑप्शन बी के साथ कुछ बच्चे हैं, कुछ है, सारे नहीं। ओके ऑप्शन सी के साथ, हैंड्स डाउन ऑप्शन सी के साथ कि एयर और वाटर में इक्वल ऑक्सीजन है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स? सम स्टूडेंट्स आर, वेरी गुड वेरी गुड। कोई सेवंथ ई में से? कोई नहीं, सेवंथ ई, सेवंथ जी में से भी है कुछ? यस ओके ठीक है। और कौन से बच्चे कहते हैं कि वाटर में ऑक्सीजन तो होती नहीं है? हाउ मेनी सेज अच्छा, ए ऑप्शन के साथ मोर देन 21%, हाउ मेनी स्टूडेंट्स? अगेन रेज योर हैंड्स जल्दी से। कोई नहीं ठीक है, चलिए आपने मुझे दो ऑप्शंस बताए, ये और ये। बेटा एयर और वाटर सेम नहीं है, इसलिए ये तो है ही नहीं। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज वाटर हैज ऑक्सीजन लेस देन एयर। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट करके लिखो, बस ऑक्सीजन डिजोल्व इन वॉटर इज वेरी लेस देन ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। या फिर किसी बच्चे को ये लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही तो हम एक और लैंग्वेज में लिख देते हैं, दैट इज वॉटर हैज लेस ऑक्सीजन देन एयर। सिंपल लैंग्वेज कि वॉटर के पास ऑक्सीजन जो है वो एयर से कम है। Therefore, सेकेंड पॉइंट आप ये लिखना, और थर्ड पॉइंट ये है, Therefore, जैसे हमने कहा था कि एज यू गो टू द हिल्स माउंटेन्स देयर इज लेस ऑक्सीजन एंड देयरफॉर यू हैव हाई रेट ऑफ ब्रीदिंग, एनी पर्सन हैज हाई रेट ऑफ ब्रीदिंग, लाइक वाइज हियर देयरफॉर एक्वेटिक एनिमल्स हैव हाई रेट ऑफ ब्रीथिंग। विच ऑर्गेनिजम्स हैव हाई रेट ऑफ ब्रीथिंग? द ऑर्गेनिजम्स लिविंग ऑन लैंड और लिविंग इन वॉटर? यस जल्दी से, लिविंग
लिविंग इन वॉटर, दैट इज एब्सोल्यूटली करेक्ट. द एनिमल्स विच लिव इन वॉटर हैव हाई रेट ऑफ ब्रीदिंग. क्यों है ये आपको पता चले. नाउ देयर इज वन मोर थिंग. फिर एक बॉक्स में लिखिए, व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स. पहली बात तो इनका क्या है, दे आर नॉट फिशेस. ये फिशेस नहीं है, क्योंकि फिशेस क्या करती है, अंडे देती है, जबकि व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स गिव बर्थ टू द यंग वंस, बेबीज. सेकेंड पॉइंट, नो गिल्स बट हैव लंग्स. एंड थर्ड पॉइंट, दे टेक ऑक्सीजन फ्रॉम एयर. चाहे ये पानी में रहती है, बट ये ऊपर आती है, एयर में से ऑक्सीजन लेती है. बाय देयर ब्लो होल्स, ब्लो होल्स की हेल्प से, जैसे हमारे नॉस्ट्रल्स होते हैं, ऐसे इनके ब्लो होल्स हैं. ठीक है जी, तो जल्दी से हम ये M3 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर हम क्लास एंड करेंगे, और बाकी का हम कल करेंगे. टुमोरो इज द लास्ट डे फॉर रेस्पिरेशन, इसलिए सब वर्कशीट करके आना. चलिए M3 का क्वेश्चन नंबर 1, 6C के आ जाइए बेटा मेरे पास. अर्शबीर, आर्यन, एकमदीप, हरमनदीप, ये चारों आ जाओ 6C. जल्दी से आ जाओ फटाफट से. क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ डायाफ्राम. डायाफ्राम का कौन सा फंक्शन नहीं है. हाँ जी बोलो बोलो बेटा, जिसने आंसर मार्क किया है. देखो जरा अपने असाइनमेंट देखो, M3 क्वेश्चन नंबर, ये नहीं बेटा, इससे पहले वाला. हाँ क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ डायफ्राम. जिसको आता है आप में से, तीनों चारों बच्चों में से, वो आंसर दो. यस, एनीबडी फ्रॉम एनी अदर क्लास. ऑप्शन सी. ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड. बैठो बेटा. रेगुलेटिंग द टेम्परेचर, नहीं ये नहीं, रेगु टेम्परेचर को क्यों रेगुलेट करें. नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट्स ब्रीद बाय. हाँ जी नेक्स्ट स्टूडेंट. रूट्स पानी में से नहीं लेती है पहले तो ऑक्सीजन, एयर में से ही लेती है. मैम ए पार्ट. ऑप्शन ए इज करेक्ट, एब्जॉर्बिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर प्रेजेंट इन एयर स्पेसेस बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स, बिल्कुल ठीक है. नेक्स्ट स्टूडेंट, सबसे इजी क्वेश्चन, मिनिएचर लंग्स ऑफ अवर बॉडी आर. एल्वियोलाई, बिल्कुल ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4 काट दो, क्वेश्चन नंबर 4 काट दो, ये आपके लेवल का नहीं है, रिमूव दैट. बेटा एक फिफ्थ क्वेश्चन है, स्मोकिंग कॉजेस. देखो ऊपर देखो, ऊपर देखो, फोर्थ के बाद ऊपर फिफ्थ है. यहाँ बोथ बोथ बी एंड सी, बिल्कुल ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5th, बोथ बी एंड सी. सिट डाउन बेटा. एक लास्ट चीज जो मैं बताने लगी हूँ, है ना, क्वेश्चन राइट डाउन, बस फिर हम बंद करेंगे. व्हाई डू प्लांट्स डाई इफ सॉइल इज ओवर इरिगेटेड. मैम,
इरिगेटेड या फिर हम कह सकते हैं एक्सेस वॉटर इज एक्सेस वॉटर्ड, बहुत ज्यादा पानी हमने दे दिया। कोई स्टूडेंट, कैन एनीबडी टेल मी फ्रॉम एनी सेक्शन? हाँ जी बताओ, सेवंथ एफ में वन स्टूडेंट वांट्स टू टेल, यस जल्दी से। Because यस बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। कि क्यों ओवर इरिगेटेड? तो आपको ये पता है, अभी हमने कहा है रूट्स एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम स्पेसेस इन सोइल। सेकेंड पॉइंट, व्हेन ओवर वॉटर्ड वॉटर फिल द स्पेसेस, नो ऑक्सीजन इन सॉइल, रूट्स कैन नॉट ब्रीथ। रूट्स कैन नॉट बी एट दस, प्लांट्स डाई, क्योंकि रूट्स मर जाएंगी तो पूरा प्लांट ही मर जाएगा। टू और थ्री मार्क्स क्वेश्चन डेफिनेटली आना ही आना है। ठीक है जी, कल का लास्ट डे है, ये थोड़ी सी नई चीजें थी, बाकी सब हमने किया हुआ है, इसलिए जल्दी से करके आना है ना। ये करके आओगे तो फटाफट से खत्म हो जाएगा, ताकि करोगे तो कल मैं आपको एक एक्टिविटी दिखाऊंगी, राइट? लाइम वाटर की हम एक्टिविटी, कुछ बलून की एक्टिविटी, वो हम दिखाएंगे, बट तभी जब आप ये असाइनमेंट करके आएंगे और हम जल्दी से ये खत्म करेंगे, राइट? चलिए ओके बेटा, बाय बाय, थैंक यू। थैंक यू टीचर्स।